वेलकम बैक एवरीवन, घर वापसी मुबारक हो। अब हमारा घर फिर से हमारा हुआ। थैंक गॉड। ये सब कुछ मैं श्रेया की वजह से हुआ है। थैंक यू श्रेया, कमाल कर दिया तूने बेटा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस घर में कभी दोबारा वापस आऊंगा। एक तू ही थी जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। सचमुच तू इस घर की लक्ष्मी ही है और आज इस घर में सबसे पहले प्रवेश इस घर की लक्ष्मी करेगी। आज नहीं मम्मी, अगर आपका प्यार और आशीर्वाद साथ नहीं होता तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। आइए साथ में चलेंगे। रुकिए रुकिए, एक जरूरी काम किए बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकते। एक मिनट। कर लिए तुमने सारे प्रयास लक्ष्मी, किंतु सविता के विश्वास को तुम हिला नहीं पाई। तुम प्रहार करती रही और वो साहस से उनको पार करती रही। मेरी भक्त विचलित नहीं हुई और वो मेरी सीख पर ही अडिग रही। वैसे भी इस घर में एक नहीं दो दो लक्ष्मियां हैं, सविता और श्रेया। ये दोनों मिलकर कुछ भी कर सकती हैं लक्ष्मी। लगा लो तुम अपनी पूरी शक्ति, ये दोनों मिलकर तुम्हारी हर चाल को विफल कर देंगी। आपको पता है आपकी वो दोस्त दिव्या जी, आज उन्होंने फिर मेरी मदद की। दिव्या? हाँ, आज अगर वो हॉस्पिटल में ना होती तो ताई जी मुझे भी हॉस्पिटलाइज करवाने वाली थी। उन्होंने फिर मेरी मदद की। मम्मी, मैंने उन्हें बोला भी कि चलिए घर चलिए, लेकिन वो नहीं मानी। वो तो यही है हमेशा। क्या? कुछ नहीं। आओ। मम्मी, ये अष्टलक्ष्मी का कलश यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मंदिर में होना चाहिए ना। कविता दीदी ने रखा होगा। चलो इसे दोबारा स्थापित करते हैं। साथ मिलकर दोनों साक्षात अष्टलक्ष्मी का रूप ले लेती, जिनका सामना अकेली अलक्ष्मी तो कभी नहीं कर पाएगी। We'll be right back.
देख रही हो लक्ष्मी, ये 8 कलश मेरी अष्ट लक्ष्मियों के प्रतीक हैं, जो है श्रेया और सविता। ये हैं गज लक्ष्मी, नारी के वैभव और सम्मान का प्रतीक। ये है वीर लक्ष्मी, नारी के असीम साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक। ये है धन लक्ष्मी, जो धन में वृद्धि करती है। यही है ना शेयर्स के पेपर्स? ये वही है। आज इनकी कीमत 20 लाख तक हो सकती है। धान्य लक्ष्मी ये अन्न प्रदान करती है। विजय लक्ष्मी जो हर विपत्ति पर विजय प्राप्त कराती है। घर के पेपर्स अलग ताऊजी के सिग्नेचर के साथ, इसमें लिखा है कि अब उनका इस घर पे कोई अधिकार नहीं। संतान लक्ष्मी जो संतान की रक्षा करती है। विद्या लक्ष्मी जो बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। लिफाफे में इन बच्चों का भविष्य है, इनके लिए एजुकेशन लोन जो महेश्वरी ज्वेलर्स स्पॉन्सर कर रहा है। और अंत में आदि लक्ष्मी जो असंभव कार्य को संभव बना देती है। हम दोनों जब साथ होती है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी कमजोर पड़ जाती है। दम है तो हम माँ बेटी का सामना करके दिखाएंगे। जब ये अष्ट लक्ष्मियां एक साथ होंगी तो इन्हें पराजित कर पाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा लक्ष्मी। अरे ये लाइट कैसे चली गई? कौन है वहां पे? कौन है? तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा किंतु सविता का विश्वास नहीं। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूं लक्ष्मी, तुम्हारी अष्ट लक्ष्मियों को पराजित करके मैं सविता और श्रेया को सदैव के लिए अलग कर दूंगी। शीघ्र ही ऐसा होगा लक्ष्मी, जब भक्त भगवान पर से भरोसा छोड़ देंगे। तुम्हारे भक्त तुम्हें भुला देगी लक्ष्मी। देखो कौन है उधर? देखो बाहर निकलो नहीं तो मैं मार दूंगी। देखो मैं Thank you.
कैसा लगा श्रेया? वाओ, बहुत 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 अच्छा लगा, लेकिन इतने सब की क्या जरूरत थी? जीते रहो बेटा, कमाल करती हो तुमने। हमारे लिए इतना कुछ किया, इस घर के लिए इतना किया, तो हम क्या तुम्हें शुक्रिया नहीं बोल सकते? हाँ बेटा, आज हम सब इस घर में हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस घर को लेने की लड़ाई में तुमने किसी चीज की परवाह नहीं की, ना अपनी जान की, ना अपने मान सम्मान की। कुंडों से भी लड़ बैठी। तुम जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। अम्मा, बहू नहीं, बेटी है ये। ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, ये खानदानी कंगन है, अम्मा ने मुझे दिए थे जब रोहित हुआ था, और कहा था कि मैं इस घर में बहुत सारी खुशियां लाई हूं। आज तू भी इस घर में बहुत सारी खुशियां लाई है, तो बस उसके लिए हम सब की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। बहू नहीं, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। माँ करे तेरे जैसी बहू हर किसी के घर में हो। खुश रह। बहुत दिनों से तू और वैभव कहीं घूमने नहीं गए ना? सुनिए। हाँ बेबू, ये रख। अरे अरे रख ले, और मेरी बहू को कुछ अच्छा सा खिला देना। वाह सासू माँ, बहू और बेटा को डेट पे भेज रही हो आप? वाह वाह वाह, साले साहब जाओ जाओ डेट पे जाओ, चाट वाट खाओ, हमारे लिए भी कुछ ले आओ। भी तैयार हो के आती हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता कुछ क्षणों की ही है लक्ष्मी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि सविता को कहाँ चोट पहुंचानी है। उसके लाडले वैभव और श्रेया के जीवन में मैं ऐसा तूफान लेकर आऊंगी जो सब कुछ नष्ट कर देगा। सविता, अब तुम्हारे घर में रहेगा तो केवल कलह और क्लेश। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल सी वाइफ मूंछों के साथ और क्यूट और ब्यूटीफुल लगती है। मूंछ मेरी? What happened Rastogi? क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? पता नहीं, अपने आप ही रुक गई। What the hell? Come on, do something Rastogi, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। Go out and do something. मेरी बहुत important meeting है and I'm getting late. Come on fast. Yes sir, मैं arrange करता हूँ कुछ। Come on, do something Rastogi, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। Go out and do something. मेरी बहुत important meeting है and I'm getting late. Come on fast. Yes sir, मैं arrange करता हूँ कुछ। भाई दिख नहीं रहा, मरने का शौक है क्या? ऐसा ही समझ लो, मेरे बॉस के जैसा बॉस होना तो मौत से खेलने की आदत पड़ जाती है। एक्चुअली बॉस की कार खराब हो गई है, उन्हें अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना है। थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी दे दो प्लीज, कुछ कुछ पैसे ले लेना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
किसी को भी अपनी कार्ड दे दूं? अरे भाई प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी का सवाल है, मतलब बॉस चुप। हा हा हा, अब नहीं जच रही यार। मतलब यार मूंछ के साथ ना तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी, जच रही थी मूंछ तो। अच्छा मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मैं तो सच बोल रहा हूँ। शुभ नाम शुभ